नमस्कार साथियों साथियों इस समय आप अपनी स्क्रीन पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी एक काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र देख रहे हैं जो कि संविदा कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर है। इसमें यदि हम देखें राज्य शिक्षा केंद्र, जिला शिक्षा केंद्र, विकासखंड स्रोत केंद्र कार्यालय में संविदा आधार पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों के सत्र 2023 हेतु स्थानांतरण हेतु आवेदन राज्य शिक्षा केंद्र के ईमेल ss.transfer2023@gmail.com पर ऑनलाइन प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए थे। यानी कि जो संविदा अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हें ss.transfer2023@gmail.com पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना था। हालांकि तकनीकी कारणों से यह जीमेल आईडी बंद हो गई तो उसके स्थान पर एक नया जीमेल आईडी प्रदान किया गया ss.transfer2021। इस पर आवेदन भेजे जाने के निर्देश जारी किए गए, परंतु कतिपय आवेदकों द्वारा समक्ष में अभ्यावेदन के माध्यम से अवगत कराया गया कि उनके द्वारा निर्धारित अवधि में ईमेल आईडी ss.transfer2023@gmail.com पर ऑनलाइन आवेदन प्रेषित किए गए हैं। कुछ संविदा अधिकारी कर्मचारियों ने अपना जो ट्रांसफ़र आवेदन है वह ss.transfer2023@gmail.com पर ही सबमिट कर दिया था। चूंकि वह तकनीकी खामियों के चलते बंद कर दिया गया था, ऐसी स्थिति में जिन कर्मचारियों द्वारा ss.transfer2023@gmail.com पर आवेदन किया है वे आवेदक तत्समय प्रेषित ईमेल के स्क्रीनशॉट की कॉपी के साथ आवेदन दिनांक 17/4/23 तक ss.transfer2021@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करें। इसके पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि ऐसे संविदा कर्मचारी जिन्होंने अपना आवेदन ss.transfer2023@gmail.com पर किया था वह अब पुनः ss.transfer2021@gmail.com पर अपना आवेदन भेजना सुनिश्चित करें और उन्होंने पहले वाली ईमेल पर जो आवेदन किया था उसका स्क्रीनशॉट भी संलग्न करना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र राज्य शिक्षा केंद्र से जारी हुआ है जो कि संविदा अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफ़र को लेकर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथ ही ये था आज का अपडेट, मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।